उच्च न्यायालय का फैसला आया है, यह उचित नहीं और इससे अति पिछड़े वर्ग के लोगों की हकमारी हो। तो बिहार सरकार तो संकल्पित है कि किसी भी रूप में अति पिछड़ों के अधिकारों की हकमारी नहीं होने दी। मानना है कि यह जो उच्च न्यायालय का फैसला आया है यह उचित नहीं है और इससे अति पिछड़े वर्ग के लोगों की हकमारी होगी। ये कोई भी समझ सकता है कि ये आरक्षण का प्रावधान 2007 में किया गया था, यानी पिछले 15 वर्षों से इन प्रावधानों के आधार पर 3 चुनाव हुए नगर निकायों के, और सबने देखा है कि अति पिछड़े वर्ग के पुरुष और महिलाएं किस तरीके से सामाजिक प्रतियोगिता में, सामाजिक सहभागिता में आगे बढ़कर आए हैं। तो जो ये पिछड़े अति पिछड़े वर्ग के लोग थे और उनको सामाजिक प्रक्रिया में नगर निकाय के प्रबंधन में आरक्षण का प्रावधान करके उनको जो आगे बढ़ा रही थी बिहार सरकार, ये अनावश्यक उसके बीच में एक व्यवधान आ गया है। तो बिहार सरकार तो संकल्पित है कि किसी भी रूप में अति पिछड़ों के अधिकारों की हकमारी नहीं होने दी, और जो निर्णय आया है उसके खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील किया जाएगा। और हम लोग पूरी तरीके से उम्मीद रखते हैं कि उच्चतम न्यायालय का अंतिम फैसला हम लोगों के पक्ष में आएगा, क्योंकि ये आवश्यक, नहीं तो अति पिछड़ों के अधिकारों का जो उनको नीतीश सरकार ने पिछले 15 वर्षों में दे रखा था, ये उसका हनन हो। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।